हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। अभी मैं हूं जंपोर बीच में और आज मैं आप लोगों को जंपोर बीच का वीडियो दिखाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कल मैं अभी जंपोर बीच में आ गया हूं और बिल्कुल जंपोर बीच में ही खड़ा हुआ हूं। पीछे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है जंपोर बीच का व्यू दिख रहा है और सामने देख सकते हो ये है पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ हो रही है यहाँ पर, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं घूमने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो होने वाला है। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का ये आप देख सकते हो ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, जो कि एब्सोल्युटली बिल्कुल फ्री है, जीरो चार्जेस पे आप जो है यहाँ पर पार्किंग कर सकते हो। यहाँ से करीब 3 से 4 किलोमीटर दूर तक जो है पार्किंग बनी हुई है रोड के किनारे किनारे। यहाँ पर लिखा हुआ है उच्च ज्वार से सावधान, यानी कि जो यहाँ पर ज्वार वगैरह आता रहता है उससे थोड़ा आप लोग जो है बच के रहिएगा, क्योंकि कब कितनी बड़ी लहर आ जाए कोई भरोसा नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं जानकारी दे दूं कि ये जंपोर बीच दमन का सबसे बड़ा बीच है और सबसे जो है ज़्यादा भीड़ वाला बीच है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग घूमने आते हैं दमन सबसे पहले यहीं पे आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो है एक्टिविटीज़ ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो ये पैराग्लाइडिंग है, ये यहाँ पर तो पैराग्लाइडिंग का एक्टिविटीज़ जो है सिर्फ जंपोर बीच में ही होता है। बाकी ये मोटी दमन में आपको जो है और जो राइडिंग है वो आपको मिली जाएंगी स्पोर्ट्स में, बाकी पैराग्लाइडिंग वहाँ पे नहीं मिलती है। फिलहाल यहाँ पे जो है पैराग्लाइडिंग आप आकर कर सकते हो। अभी हम जंपोर बीच में बिल्कुल पहुँच चुके हैं और देख सकते हो कितनी सारी जो है गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जो यहाँ का पार्किंग एरिया है, यहाँ पे ये अंदर साइड पे जो है फॉरेस्ट लैंड है, यहाँ पे पहले लोग जाके बैठते थे। फिलहाल अभी शायद बैठने का उतना अच्छा खासा व्यवस्था नहीं होगा, अगर होगा तो आगे से जाने के लिए रास्ता होगा, तो बाद में आपको मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी बीच के किनारे हम हैं और इधर पे बीच है मेरे राइट हैंड साइड पे, और ये चौपाटी है जहाँ पे लोग पैदल चल के जो है बीच का खूबसूरत नज़ारा जो है वो देखते हैं। और भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, जो कि आगे चलने पे अभी हमको देखेगी। अभी मैं जस्ट शुरुआत ही कर रहा हूँ, बस पहुँच ही गया हूँ यहाँ। तो फिलहाल अभी जिस चीज़ का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, जंपोर बीच में कैसा क्या है, तो ये देख सकते हो आप कुछ इस तरह से यहाँ पे भीड़ है और भीड़ जो है काफ़ी दूर तक है, फ्रंट कैमरा से आ भी नहीं रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो अभी आप लोगों को मैं बैक कैमरे से पूरा कुछ दिखाता हूँ कि कैसा है, कितना सारा भीड़ है और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। तो सारे का जो है मैं आप लोगों को बैक कैमरा से दिखाऊँगा, क्योंकि फ्रंट कैमरा से जो है उतना ज़्यादा खास नहीं आ पाएगा। और वाइड एंगल हो सकेगा तो मैं कोशिश करूँगा वाइड एंगल से दिखाऊँ, तो ताकि जो है थोड़ा ज़्यादा एरिया जो है वो कवर हो सके। तो फिलहाल अभी मैं बीच पे पहुँच गया हूँ और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हैं और क्या क्या प्राइस है। सारा कुछ एक्टिविटीज़ का जो है टिकट काउंटर यहाँ पर बने हुए हैं, एक ये बना हुआ है, एक उस तरफ बना हुआ है। तो मैं क्या सबसे पहले जो है प्राइस क्या है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ और क्या क्या सुविधा है। अगर यहाँ पे आपके पास मनी नहीं है तो क्या यहाँ पे कैशलेस जो है टिकट मिल जाता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मोटरसाइकिल, तो इसका जो है और बहुत सारी जो है वोटें वगैरह है, वो भी आप देख सकते हो, वोटिंग भी हो रही है वहाँ पे। तो जो शायद यहाँ पे 50 रुपये लेते होंगे, चलो दिखा देते हैं बैक कैमरा से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पे टिकट काउंटर है, यहाँ पे पैरासेलिंग का जो है 700 रुपये से 1000 रुपये और 2 पर्सन का 1200 रुपये। स्पीड बोस्ट जो है वो उसका जो है 250-300 इस हिसाब से है। जेट स्काई राइड का जो है 500 रुपये है। बनाना राइड और जो है बम्पी राइड, एटीवी राइड, डिस्को राइड, जितनी भी राइडें हैं सारी यहाँ पे जो है हो जाएंगी और यहाँ पे आप कैशलेस पेमेंट भी कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो नज़ारा भाई साहब, एक कैमल राइडिंग वगैरह कर सकते हो। और ये भाई साहब व्यू देख सकते हो आप पूरा, यहाँ पे पूरा जो है काफ़ी अच्छा खासा है और काफ़ी सारा क्राउड यहाँ पे आप देख सकते हो, कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। ये सारा कुछ यहाँ पे व्यवस्था है, वही वाली व्यवस्था जो लोग यहाँ पे रहते होंगे तो वो तो समझ गए होंगे। तो मैं बोलूँ तो पीने खाने का पूरा व्यवस्था है ऐसा, तो काफ़ी अच्छा है। और भीड़ देख सकते हो आप भाई साहब, अनाउंसमेंट होने लगी है कि ज़्यादा बीच के अंदर मत जाइए, क्योंकि ज्वार वगैरह जो है वो आता रहता है, लहरें तो भाई सब रहती है, क्योंकि पी खा के लोग जो है यहाँ पे लेटते रहते हैं यहाँ पे। और काफ़ी बड़ा बीच है भाई साहब, देख सकते हो भीड़ वगैरह। और मैं आप लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा इस वीडियो पे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हो वोटिंग हो रही है यहाँ पे, 50 रुपये शायद अराउंड से लेते होंगे। और जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हैं सारे जो है यहाँ पे ओपन है फिलहाल अभी। और ये देख सकते हो कितना सारा जो है यहाँ पे क्राउड है, भीड़ है। आगे की तरफ भी जितना बढ़ूँगा मैं उतना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। और ये देख सकते हो जेट स्काई जो है राइडिंग, और यहाँ पे पूरा चखना वगैरह जो है सारा कुछ इंतज़ाम है। हॉर्स राइडिंग का ना हो तो 100 रुपये के करीब जो है हॉर्स राइडिंग का ले लेते हैं, बोटिंग का 50 रुपये है। और अगर आप स्पोर्ट्स जो है राइडिंग करते हो, स्पोर्ट्स राइडिंग का जो है अलग अलग है, पैराग्लाइडिंग जैसे 700 से 1000 रुपये, डबल लोग हो तो 1200 रुपये, तो कुछ इस तरह से है। और जितने भी राइडिंग आप करते हो उनका जो है अलग अलग राइड का अलग अलग जो है प्राइस है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से ये यहाँ पर तांगा बना हुआ है, तांगा का जो है शायद प्राइस 50 रुपये लेते होंगे शायद जहाँ तक। तो यहाँ पर आप देखते हो काफ़ी सारे लोग जो है घूमने के लिए आए हुए हैं, फ़ोटो वगैरह खिंचवाना है खिंचवा सकते हो, कैमरामैन वगैरह सारे कुछ यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये देख सकते हो ये है जम्पोर बीच का बीच, और कुछ इस तरह से है। आगे भी जाते हो भीड़ वगैरह है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से थोड़ा जो है स्पेस कम दिख रहा है आपको। आगे भी भीड़ है। और ये पूरा आप देख सकते हो कुछ इस तरह से पूरा आप व्यू देख लीजिए, कुछ इस तरह से जो है पूरा व्यू देखने को मिल रहा है। और बोटिंग वगैरह हो रही है यहाँ पे, और राइडिंग वगैरह तो मैंने आपको दिखा ही दिया है। और फिलहाल नहाने का तो अभी आप देख सकते हो पानी वगैरह तो साफ़ है नहीं है, क्योंकि बालू वगैरह मिक्स हो जा रही है। ये देख सकते हो खुदाई वगैरह होती रहती है, बालू वगैरह जो है सारा कुछ मिक्स हो जाता है। और अगर ये पानी जो है दूर तक थोड़ा चला जाता है तो नहा सकते हो, क्योंकि फिर पानी जो है साफ़ हो जाता है। किनारे पे आने पे जो बालू है वो मिल जाती है पानी पे, इसलिए आपको थोड़ा मटमैला दिख रहा होगा। और देख सकते हो भाई साहब भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। आप देख सकते हो जो है हॉर्स राइडिंग भी हो जाती है यहाँ पे, देख सकते हो कितने सारे जो है हॉर्स जो है यहाँ पे। और कैमल राइडिंग भी हो जाएगी, ये देख सकते हो कैमल है। और इधर पे भी एक ये जा रहा है, तो कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग जितने भी राइडिंग है यहाँ पे हो जाएंगी। और ये देख सकते हो ये कुछ लोग जो है पीने खाने में लगे हैं, तो ये यहाँ पे कुर्सियाँ पड़ी रहती है, आराम से बैठ के आप भी खा सकते हो। ये कुछ इस तरह से व्यू है चारों तरफ का, आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो है लोग नहाने में लगे हुए हैं, बोटिंग भी कर सकते हो, सारी जो है एक्टिविटी चालू है। अभी आप देख सकते हो सामने ये बोट जो है कुछ इस तरह से है। और जो जेट स्काई है सबसे कम प्राइस इसी का है, और बाकी इस बोट में भी जाके आप जो है राइडिंग कर सकते हो, 50 रुपये लेते हैं लोग। और ये देख सकते हो चारों तरफ का पूरा व्यू इस तरह से है। अभी मैं पीछे था, ये जम्पोर बीच है, और यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा बालू हो गई है, बिकॉज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है मिट्टी निकाली गई है, उसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा बालू है। और नहाने लायक तो उतना ज़्यादा खास नहीं है कि बालू ज़्यादा है। और फिलहाल अभी हम ऊपर आ गए हैं, ये पार्क था, यहाँ पे झूले वगैरह काफ़ी सारे लगे हुए थे। फिलहाल अभी जो है इसको पार्किंग एरिया में जो है वो बदल दिया गया है, यहाँ पे आप अपनी गाड़ियों को जो है पार्किंग कर सकते हो। और बच्चों के यहाँ पे खेलने के लिए काफ़ी सारे जो है इक्विपमेंट लगे हुए थे, तो वो अभी फ़िलहाल नहीं है। यहाँ पर जो है इक्विपमेंट लगे हुए थे इस एरिया पर, और 2-4 ही इक्विपमेंट बचे हुए, बाकी सारे शायद निकाल दिए गए हैं। और ये पूरा पार्क है यहाँ पर जम्पोर बीच का। फिलहाल क्या करें, अभी दिखा दिया जितना आप लोगों को दिखाना था। और यहाँ पे सामने ही पैराग्लाइडिंग होती है, चलो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पैराग्लाइडिंग रह गया है, क्योंकि उस समय जो पैराग्लाइडिंग का जो गाड़ी था वो निकल गया था लेके, तो मैं नहीं दिखा पाया। और अभी वापस से चल रहे हैं, तो आप लोगों को जो है पैराग्लाइडिंग भी दिखा देते हैं कि कैसा क्या है। और प्राइस तो मैंने बता ही दिया है पैराग्लाइडिंग का, कि 700 रुपये एक पर्सन का है, और 1200 रुपये डबल पर्सन का है, 1000 रुपये अभी ले लेते हैं। बात कर लीजिएगा आप, जो है बार्गेनिंग कर लोगे तो शायद हो जाएगा आपका भी। तो ये कुछ अपडेट है यहाँ पे। और जम्पोर बीच देख सकते हो भाई साहब, क्राउड तो है ही, वैसे भी दमन का सबसे बड़ा बीच है तो क्राउड तो रहेगा ही। लाला जो है यहाँ पे टूरिज़म का जो है मैंने बताया था आप लोगों को, टूरिज़म का कैसा क्या अपडेट है, तो सारा कुछ जानकारी आपको दे ही दिया है। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, मैं अभी जस्ट आपको दिखाई देता हूँ, तो आगे चलता हूँ और वहाँ से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो है इधर साइड पे जो ये आप जो ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। और अगर लेके जाते हैं वहाँ पे मैं चल ही रहा हूँ, अगर लेके आते हैं उधर तक तो मैं दिखाई दूंगा। शुरुआत में मैंने आपको दिखाया ही था कि कैसा जो है यहाँ पे जो पैराग्लाइडिंग होती है। और ये है कुछ इस तरह से नज़ारा, आप देख सकते हो काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा भी रहे हैं। फिलहाल मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ क्योंकि अपना जो है अभी ना मोटी दमन जाने का है। मोटी दमन का जो है उसका भी शूट करना पड़ेगा, वहाँ का भी मैं आपको टूरिज़म का अपडेट दे दूँगा क्योंकि पिछली बार मैं वहीं से वापस हुआ था, इस बार मैं दूसरे रूट से आया हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि मैं दूसरे रूट से आया हूँ। तो चलते हैं। और ये रहा अपना जम्पोर बीच का जो है अपडेट। कैसा लगा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।